कौन है बाबा की फेवरेट कटोरी देवी? मंच पर साथ बैठने वाली इस महिला के साथ कटोरी देवी का क्या है कनेक्शन? हाथरस के भोले बाबा, प्रेमा देवी और कटोरी देवी का क्या है कनेक्शन? उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग के बाद मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत के बाद भोले बाबा सुर्खियों में आ गए हैं। उनके साथ मंच पर बैठने वाली महिला भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई उन्हें भोले बाबा की पत्नी बताता है तो कोई उनकी माँ, लेकिन भक्तों और श्रद्धालुओं के बीच माता जी के नाम से मशहूर ये महिला कोई और नहीं बल्कि बाबा जी की मामी है। नाम है प्रेमा देवी। नारायण हरि सागर के नाम से प्रसिद्ध सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की लाइफस्टाइल दूसरे संतों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर संत धोती कुर्ता या भगवा पहनते हैं, तो वहीं भोले बाबा सफेद पैंट शर्ट में नजर आते हैं। वो सिंहासन पर बैठकर भक्तों को ज्ञान देते हैं, साथ ही प्रवचन के दौरान मंच पर उनकी मामी यानी कि प्रेमा देवी भी साथ मौजूद रहती हैं। इनका मायके कासगंज जिले से है। श्रद्धालु प्रेमा देवी को माता जी के नाम से जानते हैं। संत सूरजपाल के अनुयायी यूपी के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हैं। जहां भी सत्संग होता है उनके अनुयायी ही पूरी व्यवस्था संभालते हैं। भोले बाबा की गैर मौजूदगी में प्रेमा देवी ही पूरे प्रवचन का कार्यभार संभालती हैं। आखिर में बात करेंगे कौन है बाबा की कटोरी देवी, तो आपको बता दें कि भोले बाबा की धर्म पत्नी का नाम है कटोरी देवी। नारायण सागर हरि के भक्त उन्हें भोले बाबा के अवतार के रूप में मानते हैं। उनके आश्रमों पर जाकर खुद को धन्य मानते हैं। आश्रमों के बाहर लगे हैंडपंप का पानी पीने के बाद भक्त धन्य हो जाते हैं, और शायद यही वजह है कि पानी लेने की होड़ मची रहती है। भोले बाबा के प्रवचनों के दौरान उनकी मामी भी मंच पर उनके साथ बैठी नजर आती हैं। भोले बाबा का दावा है कि वो अपने प्रवचनों में पाखंड पर हमला करते हैं, मानव को सबसे बड़ा मानने का संदेश भी देते हैं।